सुनार को जैसे ही सोने का पिंजरा बनाने का आदेश मिला तो वह जी जान से पिंजरा बनाने में जुट गया। दिन रात मेहनत करके सुनार ने बड़ा ही अद्भुत पिंजरा तैयार किया। पिंजरा इतना अद्भुत था कि उसे देखने देश विदेश से लोग आने लगे और सुनार को भर भर थैलियां इनाम मिलने लगे। इनाम पाकर सुनार के तो पूरे परिवार के जैसे वारे न्यारे ही हो गए। सबने कहा, ये सब उस तोते के भाग्य का ही चमत्कार है। परंतु अभी भी तोते की शिक्षा का तो कोई भी इंतजाम नहीं हो पाया था। सभी ने कहा, इस पक्षी को शिक्षा देना कोई आसान काम नहीं है। फिर से पंडितों और विद्वानों को बुलाया गया और फिर से सभी ने विचार विमर्श किया और कहा कि इस तोते को पढ़ाने के लिए इतनी थोड़ी सी विद्या से काम नहीं चलेगा। पक्षी को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, यह तो बहुत ही कठिन काम है। तो फिर क्या, राजा के भांजे तो जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे। तत्काल ही पोथी लिखने वाले विद्वानों को बुलाया गया। फौरन पोथियों की नकल का काम शुरू हो गया। फिर नकलों की भी नकल, नकल दर नकल होती गई और देखते ही देखते पोथियों का पहाड़ खड़ा हो गया। जिसने भी देखा, पोथी लिखने वालों को शाबाशी दी। पोथी लिखने वालों को बैलगाड़ियां भर भर कर इनाम मिला। परंतु अभी भी सवाल यही था कि तोते को आखिर शिक्षा कैसे दी जाए। परंतु अब राजा के भांजों को उस बेशकीमती सोने के पिंजरे की चिंता सताने लगी। एक तरफ थी चिंता और दूसरी तरफ थी व्यस्तता। चारों ओर बस काम ही काम, कभी सफाई तो कभी मरम्मत तो कभी कोई दूसरा काम। काम बढ़ता ही जा रहा था और बड़ा काम तो ज्यादा लोग ही कर पाते हैं। तो उस बड़े काम को करने के लिए दिन पर दिन आदमियों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही थी। उन आदमियों की देखरेख के लिए और भी आदमी रखने पड़ रहे थे, जिन्हें हर महीने मोटी मोटी तनख्वाह भी देनी पड़ती थी। सारे काम का हिसाब रखने के लिए रजिस्टर भी बनने लगे, रजिस्टर भी भरते ही जा रहे थे। अब तो उस सोने के पिंजरे का पूरे राज्य में बड़ा ही नाम हो गया था। अब कभी किसी के चाचा तो कभी किसी के मामा, कभी किसी के चचेरे भाई तो कभी किसी के मौसेरे भाई पिंजरा देखने आते और दो चार दिन आराम फरमाकर चले जाते। सोने के पिंजरे की अब बहुत तरक्की हो गई थी, परंतु बेचारे तोते की शिक्षा का तो अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं हो पाया था। परंतु कहते हैं ना कि झूठ की उम्र ज्यादा दिन नहीं होती। तारीफ करने वालों के साथ साथ कुछ निंदक भी होते ही हैं। तो अब आगे कहानी में और क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए इसी कहानी के पार्ट 3 का इंतजार कीजिए।